तो दोस्तों पूरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे छात्र हों चाहे छात्रा हों, उनकी जो स्कॉलरशिप है, उनकी जो छात्रवृत्ति है, उसके लिए कैंप लगाकर पूरे देश में सभी प्रदेशों में जो है उनकी आधार बेस KYC की जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों की जो KYC है वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से की जा रही थी। ऐसे में दोस्तों जब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इन छात्रों की KYC की जा रही है, उनको में KYC होती है वो करने में काफी सारी दिक्कतें हो रही थी, काफी सारे एरर्स आ रहे थे, काफी सारे जो है फिंगर लगाने पर पोर्टल भी ज्यादा लोड ले रहा था। तो ऐसे में दोस्तों मंत्रालय ने इसको जो है नोटिस किया और इसको डिसाइड किया कि इस जो प्रक्रिया है KYC की प्रक्रिया, इसको 2 दिनों तक रोक दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल 2 दिन के लिए, यानी कि 19 और 20 अगस्त को जो कैंप निर्धारित किए गए थे, उन कैंप को फिलहाल रोक दिया गया है, वो कैंप नहीं लगना है, KYC नहीं करना है। 2 दिन के बाद पुनः जो है विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो KYC है आपको कब करना है। ये दोस्तों 2 दिन की लिए रोक जो लगाई है उसका कारण बताया है कि हम जो है पोर्टल में सिस्टम में जो है कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, जो कुछ कमियां हैं थोड़ी बहुत शेष रह गई हैं, जिनकी वजह से छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन कमियों को, उन फॉल्ट्स को खत्म किया जाएगा, उनमें सुधार लाया जाएगा ताकि जो छात्रों की KYC है वो आसानी से की जा सके। तो यही एक अपडेट था दोस्तों कि आप अगर अपनी जो अल्पसंख्यक की KYC करवा रहे हैं, या फिर जो वो विद्यालय जो अपने छात्रों की अल्पसंख्यक की KYC करवाना चाहते थे और जिन्हें कल और परसों के जो है तारीख में KYC करवाने का जिनका प्लान था, तो उनको अभी ये नोटिस कर लेना चाहिए कि कल और परसों यानी कि 2 दिन के लिए 19 और 20 अगस्त की जो KYC थी उनको फिलहाल रोक दिया गया है। 2 दिन के बाद पुनः KYC चालू होंगी। 2 दिन के बाद मतलब आपको जो 2 दिन ये रह गए हैं, इनकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, मतलब आगे KYC जारी रहेगी। अभी जो 20 तारीख थी वो अब कैंसल हो गई है, मतलब अंतिम तिथि जो 20 अगस्त बताई गई थी है वो अब फिलहाल नहीं है, आपको आगे तारीख दे दी जाएगी कि अंतिम तिथि कौन सी है, मतलब अंतिम तिथि अब जो भी आएगी वो आपको 2 दिन बाद पता चल जाएगा, हमारे इसी चैनल पर आपको जो वीडियो है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी नॉलेज जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।